अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम। नहीं नहीं, बहुत जोशीली पब्लिक के कह रहे हैं, बहुत कम जवाब आया। अब फिर करके देख लो, इसका बहुत टिका देगा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सब भाई पूरे अपने पूरे हैं। सब आपको हम इसे अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। जितनी जगह भी अभी आप तक अपने परफॉर्मेंस के लिए लोगों ने आपको बहुत पसंद किया है, आपको कैसा लग रहा है ये पहली दफ़ा ऐसे लाइव शो में आप आए? वैसे तो आपको पता मेरे भाई, मेरा ताल्लुक वर्जीनिया से है और स्टेट्स में मैं पहली दफ़ा लाइव शो कर रहा हूँ, और जिस स्टेट्स में भी गया लोगों ने इतना अच्छा वेलकम किया हम सबको, मुझ समेत सबको, कि इतनी खुशी हुई कि फर्स्ट टाइम इतने अच्छे शोज हमारे गए। वेरी नाइस, और अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पर भी माशाल्लाह से क्राउड जो करने वाले लोग बैठे हुए, बहुत अच्छा क्राउड है। और मुझे ये भी पता लगा कि यहाँ पे चार दिन में ये शो अरेंज किया गया है। हाँ, बहुत कम पब्लिसिटी में ये शो अरेंज हुआ है, और ये पक्के सच्चे पाकिस्तानी लोग जो ताक में रहते हैं कि कोई शो आए तो हम जाए। ये अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे, लेकिन इसमें भी कसूर किसी का नहीं है, कसूर सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा हालात का है। वरना जो पहले शो हमने यहाँ किया था कि जो प्रमोटर, वो भी उस वक्त भी नदीम थे, अब भी नदीम है। नदीम के पास छोटा सा एक मिसहैप हुआ, इंडियन शो आ रहा था रेखा जी का, और कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ और उनके साथ थोड़ी सी मिस कमिटमेंट हुई, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। नदीम ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, इतने लॉस के बाद भी उसने ये शो ऑर्गेनाइज किया। मैं समझता हूँ कि उसकी हिम्मत की बात है, मैं चाहूँगा आप उसको भरपूर ताली मिले, बड़ा दिल बन गया। मैं चाहूँगा आप हौसला, और वो तो ईश्वर को भी कह रहे थे कि मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा मैं जोड़ दूंगा, मैं दिल भी जोड़ देता हूँ कभी। अच्छा, ये मियामी का मुखबर है, मियामी के में मुखबर भी होते हैं, मेमन और मुखबर दोनों हैं। अभी मेमनों में पकड़ता हूँ, ठहर गया। अच्छा सऊद, कैसा आपको बहुत खूबसूरत सऊद के बारे में एक बात मैं आपको बड़ी अच्छी बता। सऊद एक बहुत अच्छे सऊद, आप फिल्मों में हीरो आते हैं जी, कैसा लगता है आपको? कौन से सीन आप पसंद करते हैं? इमोशनल, ड्रामेटिक, रोमांटिक एंड रोमांटिक? रोमांटिक, ये जो घूंघट उठाने वाले सीन होते हैं। हाँ, वो भी अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं ना, घूंघट उठाना बड़ा अच्छा लगता है। मोहम्मद अली साहब ने सबसे ज़्यादा फिल्मों में शादी के सीन किए हैं घूंघट उठाने के, लेकिन मोहम्मद अली इतने शरीफ अदाकार हैं कि जब भी घूंघट उठा रहे होते हैं लेकिन चेहरे पे भाइयों वाले एक्सप्रेशन है, कसम से, बड़े शरीफ आदमी। आप कैसे उठाते हैं? जैसे उठाने चाहिए, जैसे डायरेक्टर कहता है। हाँ, जैसे जिस किस्म का डायरेक्टर होता है उस किस्म का घूंघट उठा जी। आप कैसे सीन ज्यादा अच्छे करते हैं? माँ के साथ भी सीन करते होंगे इमोशनल, अम्मी फला, मोहम्मद अली भाई भी करते हैं। वो कैसे करते थे? उन्होंने 10 साल अभी अभी पिछले सालों तक भी वो इतनी बड़ी उम्र में भी बाहर से आके कहते रहे, अम्मी अम्मी मैं मैट्रिक में पास हो गया। माँ कहती बेटा मैट्रिक कर लिया, अल्लाह के वास्ते आठवीं भी पास कर लिया। आप तो नहीं कह सकते, आप तो नहीं, मैं तो आप तो पढ़ के गया था, मैट्रिक करके गया था इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में जी। अच्छी बात। अच्छा, तो आपके ये सीन अच्छे लगते हैं? हाँ। कितनी फिल्में अब तक आप कर चुके हैं? अभी तक मैं 40 से ज्यादा फिल्में मेरी रिलीज हो चुकी हैं और इतनी ही मेरी प्रोडक्शन है। वेरी नाइस, बड़े मसरूफ अदाकार हैं आप, सारे हीरोइनों के साथ काम करते हैं जी। अच्छा, तो कौन सी हीरोइन सबसे अच्छी लगती है जो आपको लगते बहुत कोऑपरेटिव है आपके साथ? तकरीबन सारे अच्छा, काम के वक्त सब काम करते हैं और मेहनत से करते हैं, तो सब कोऑपरेटिव। काम के वक्त ही काम करना चाहिए, बेवक्त का काम तो अच्छा नहीं होता है जी। अच्छा, एक और आपकी, मैं आपकी इतला के लिए बताऊं कि अभी पाकिस्तान में आपको बताया कि एक बहुत बड़ा इशू बना था, बल्कि पूरी दुनिया में बन गया, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है वो ये इशू बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए लोग इसमें। कारगिल का जो मसला था उसमें फनकारों ने भी अपनी अपनी बसात के मुताबिक, हर फनकार ने उसमें एक अपना जो उसका कंट्रीब्यूशन था उसने किया। सऊद ने भी इसके लिए कारगिल के शो के अंदर एक कैसेट तैयार की और एक गीत गाया था। मुझे इनकी सलाहियत का बाद में पता चला कि ये गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, और जब यहाँ हमारे शो में हैं तो क्यों ना हम इससे फायदा उठाएं। लेकिन ये छोटी मोटी ताली से काम चलने वाला नहीं है, यू नो। हाँ, प्लीज।